मैं जब पढ़ता रहा हूँ ना लाहौर, क्योंकि मेरा ताल्लुक है सियालकोट से, और अल्लाह का शुक्र है बचपन से अल्लाह ने ये मिजाज दिया था कि दरवेशों फ़कीरों से हमारी यारी रही है। बल्कि मेरे ख्याल से ये कहना दुरुस्त नहीं है कि मेरी रही है, बंदा कहाँ खुद इनसे यारी कर सकता है, वो ही करम फरमाते रहे हैं। हाँ, क्योंकि इनकी मर्ज़ी ना हो तो आप इनके पास नहीं बैठ सकते, इनकी मर्ज़ी हो तो आप बैठते हैं। तो मेरा भी जब बचपन गुजरा तो क्योंकि मेरे घर के सामने, जैसे यहाँ मैंने कब्रिस्तान देखे हैं, तो हमारे भी घर के बिल्कुल सामने ना सड़क के उस जानिब कब्रिस्तान, हमारे इलाके का बहुत बड़ा कब्रिस्तान। तो मेरे बचपन में वहाँ एक बुजुर्ग बैठा करते थे, इनका नाम था साईं अब्दुल रशीद रहमतुल्लाह अलैह। और ये नहीं थे कि हजरत कुछ था नहीं तो बुजुर्ग बन गए, नहीं, वो बाबा था जिसने भरा मेला छोड़ा था, बड़े अमीर कबीर आदमी थे। मेरा घर कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने गली में था, मेरा घर भी मेरी तरह छोटा सा था, हजरत का घर बिल्कुल कब्रिस्तान की दीवार के साथ था, और हजरत का घर भी हजरत की तरह बहुत बड़ा था, भरा मेला छोड़ा। असल में उनकी दोस्ती थी एक मजहूब से, इसलिए तो हजरत जी शरीयत मना करती है कि जो बाहोश लोग हैं उनके पास बैठो, मजाजीब से बचा करो, क्योंकि जब किसी मजहूब को मौज आएगी ना तो इसने आपको मजहूब ही बनाना है। ये दाढ़ी रखवाना ये सालिक का काम है, ये सर पे इमामा रखवा देना ये सालिक का काम है, ये नमाजी बना देना ये सालिक का काम है। और आले सुन्नत में इस हवाले से थोड़ा सा मिजाज भी पाया जाता है, लोग समझते हैं पता नहीं मजूब क्या तोप शाया होती है, नहीं हजरत, मैं कहता हूं 1,00,000 मजूब एक पासे, 1,00,000 मजूब एक सालिक एक पासे। सालिक होना बड़ा औखा काम है, मजूब तो आजाद हो चुका है, उसको ना कपड़े की परवाह ना उसको खाने की तलब, ये साले की हजरत, इसने अगर कपड़े भी पहनने हैं तो हलाल के पहनने हैं, ये साले की हजरत, इसने एक एक लुकमा छांट के खाने हैं, ये साले की है जिसने बच्चे भी पालने हैं तो हलाल से पालने हैं, ये साले की है जिसने हलाल से बिजली का बिल देना। मजदूर तो आजाद हो गया, सालिक को तो दिन में कई बार मरना पड़ता है, क्या हजरत सुल्तान बाहू ने कहा नहीं था, अब फरमाते मरन तू पहला मर गए बाहू ता मतलब नु पूछे हूं। ये हमारे यहाँ मिजाज पाया जाता है कि लोग और जो है ना भाग के जाते हैं मजदूर के पास, नहीं हजरत जी बाहोश लोगों के पास बैठो। तो कुर्बान जाऊं इस वाले से ना, ये शेख मुहक्किक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी ने एक बड़ी खूबसूरत बात भी लिखी, अब फरमाते मेरा भी एक मुक्तदी था तो उसकी भी बैठे के एक मजदूर बुजुर्ग से थी, अब फरमाते मैंने उसको कई बार मना किया ना जाया कर, उसने कहना नहीं जिदन बाबे होरी खुश हो गए मेरी काया ही पलट जानी है। वो क्या हुआ, वो एक दिन बैठा हुआ था, बाबा जी का जज्ब कम हुआ, देखा सामने बंदा बैठा है, उससे पूछते हैं तू कौन है, उन्हें कहा जी मैं नहीं हूं। हैं, उसे पूछा तू कौन है, उसने कहा जी मैं नहीं हूं। पता नहीं कब से बाबा जी मदहोश थे, जज्ब में थे, फरमान लगे वाल बड़े वध गए ने, साड़ी टिंड नहीं कर देंगे। वो बड़ा खुश हुआ, टिंड करूंगा बाबा जी को देंगे, उसने जनाब उस तरह पकड़ के ना बाबा जी की टिंड कर दी, बाबे और सिर ते हथ फेर के कहते ने या अल्लाह जिवें ने मेरा सिर खाली किया तू इन्हू भी खाली कर दे। बस फिर जुबान से निकली बात थी। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे हैं अगर वो किसी चीज़ की कसम उठा लें तो अल्लाह उनकी कसम को ज़रूर पूरा करते हैं। तीर निकल चुका था, वापसी नहीं थी, बस फिर ऐसी आफतें हैं कि कुछ भी नहीं रहा। हजरत के पास रोता रोता आया, हुजूर की करना है, और उन्हें फरमाया हूँ वही कख नहीं सकता, उन्हें एवे कि बैठा रहे जे फिर कभी होश च आ गए तेरा मुकद्दर जाग गया तेन पूछा ना तू कौन है तो कहीं मैं नहीं हूं, तो जे कह ना मेरे वाल बड़े वध गए ने ये टेंड कर दे तो कर दे, बस एक काम करी ऐत की टेंड करके ना मठे मठे टक ला दें सिर उत्ते कि हजरत नूं तकलीफ ना आए, मठे मठे ना पछ ला दें। अब शेख ने लिखा नहीं कि दरानिया 10 साल था 20 साल था, बेचारा कितनी देर खज्जल खराब होता रहा। वो एक दिन फिर बाबा जी को होश आ गए, देखा सामने बंदा बैठा, पूछते हैं तू कौन है, उसने कहा जी मैं नहीं हूं। फरमाया साढ़े वाल बड़े वध गए ने फिर टेंडी कर दे। वो बड़ा खुश हुआ, उसने जनाब उस तरह लेके ना जल्दी जल्दी सर मूंड दिया, शेख की बात याद आ गई, उसने मठे मठे ना सर पे टक लगा दिया। वो फिर बाबा जी ने सर पे हाथ फेरा तो इस दफा हाथ ना उन्हीं के खून से रंगाया, तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज क्या करते हैं या अल्लाह जिवें ने मेरा सिर रंगे है तो इन्हू भी रंग छड़। ये इस तरह के लोग होते हैं, इसलिए कोशिश करो हजरत जी हमेशा सालिकों की बैठक रखो, बाहोश लोगों के पास बैठो ताकि तुम पे शरीयत का रंग चढ़े। हजरत मजदूर ज़ियारत करो बस दूर दूर से, सालिकों के पास बैठो। और अल्लाह का शुक्र है
अल्लाह ने तो इस खत्ते को बड़ा जरखेज़ किया इस हवाले से, माशाल्लाह एक से बढ़ के एक खानकाह है, मखड़ शरीफ है, बड़ी बड़ी खानकाहें हैं यहाँ। इसलिए हज़रत जी इन पाक लोगों से दूर ना रहो, इन पाक लोगों से दूर। तो मेरी हज़रत से बड़े वो मजदूर नहीं थे, थे वो साले की, लेकिन बस फिर ज़ाहिर है फैज़ मजदूर से था, तो फिर कुछ ना कुछ उसका गलबा था, इसलिए फिर हज़रत ने शहर को खैराबाद का, और 17 साल हज़रत उन्होंने उस कब्रिस्तान में गुजारे। जैसे ये दोपहर है ना, लेकिन ये अभी सर्दियों की दोपहर है, एक दिन इसी तरह गर्मियों की दोपहर थी, और आपको पता गर्मियों में जोर की नमाज भी लेट होती है, 2:15 बजे 2:30 बजे होती है। मैं इसी तरह ना जोर की नमाज पढ़ के आया, तो हज़रत कब्रिस्तान में बिल्कुल तनहा बैठे थे। मैंने कहा मौका बड़ा अच्छा है, चलो चल के बहने हैं तो कोई यार दी गाल सुना नहीं होना। वो मैं जैसे जाके बैठा ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हजरत का घर बिल्कुल कब्रिस्तान के साथ था, कोठी थी आपकी, और आपके घर का विंडो एसी चल रहा था, ये बात है सन 2002 की, तो विंडो एसी चलने की आवाज आ रही थी। तो मेरे दिल में ऐवी ख्याल सा आया, मैंने कहा बाबे ने की कीता, एडा ठंडा कमरा छड़ के कितने कब्रिस्तान आ बैठा है, हैं गर्मी नाल पसीना वगदा पे, उनका भी बह रहा था मेरा भी बह रहा था। ये हजरत की मोहब्बत थी जो दिल में वसवसा आया ना, वो दिल तक महदूद नहीं रहा, जुबान पे भी आ गया। मैंने हजरत से सवाल कर दिया, मैं हजरत है की कीजिए, फरमा लगे क्यों क्या हुआ, मैं हजूर इतना ठंडा कमरा छोड़ के क्या कब्रस्तान में आ बैठे। तो मुझे आगे से कहते मौलवी सुलेमान फिर साड़ी भी एक गल का जवाब दे। मैं जनाब, फरमाने लगे ये जो तू ठंडा कमरा मुझे याद करवा रहा है, ये तो बता आखिर ये ठंडा कमरा छोड़ के आना कहाँ है। तो जवाब को इतना मुश्किल नहीं था कि कोई दे ना सके, मेरे जैसे आम बंदे को भी उसका जवाब आता था। मैंने अर्ज की मैं हुजूर है जाहिर ऐसी कब्रिस्तान में ही आना है। तो फरमाने लगे यार चार कंधों पे जो आना था मैं खुद ही आ गई। और हज़रत जी मैं बस जाते जाते आपको इतना कह जाऊंगा कि मैं सियालकोट से इतनी दूर चल के आपको यहाँ ये कहने नहीं आया कि सारे कब्रिस्तान चलिए, ये तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की तालीम ही नहीं है, है। बस जाते जाते मैं आपको इतना जरूर कहता जाऊंगा, हज़रत जी जहाँ कहीं भी रहो लेकिन कब्रिस्तान को भूलना भी ना, हाँ कब्रिस्तान को भूलना भी, क्योंकि जाना वहाँ ही है। कोई बन गया रौनक पक्की आंदी, कोई छोड़ के शीश महल चले, कोई पलिया नास ते नखरिया विच, कोई रेत गरम ते थल चले, कोई भूल गया मकसद आवंदा, कोई करके मकसद आल चले। और आपको पता खराबी कब होती है, खराबी होती तब है जब बंदा भूल जाता है, जब बंदा भूल जाता है, भूलना ना कभी भी। और एक हदीसे पाक का मफहूम है, सिर्फ दो हैं जो भूल जाते हैं, एक जिन दूसरा इंसान, बाकी हज़ी रूह को याद है। बल्कि एक रिवायत मिलती है जिसका मफहूम है कि एक रोज़ अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदुन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब बाजार तशरीफ ले गए मदीना पाक, तो वहाँ एक ऊँट बिदक गया था। अब पता नहीं आपकी जुबान में क्या कहते हैं, हमारी पंजाबी में कहते हैं भूड़ हो गया, जरा और आसान उर्दू में बोलेंगे तो कहेंगे आपे से बाहर हो गया था। अब आपको पता है जानवर अगर इस कंडीशन पे आ जाए, तो छोटा जानवर भी हो तो इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं होता किसी से, तो ऊँट तो वैसे ही कद का जानवर है। अब अगर ऊँट अनकंट्रोल हो जाए, आपे से बाहर हो जाए, भूड़ हो जाए, उसको कोई कंट्रोल कर सकता है? वो जिस संत भागता है ना सारा बाजार आ गया। हजरत उमर फारूक तशरीफ ले है, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरा उम्र वो है कि शैतान इसके साये से भी डरता है। अब आगे बढ़े और आपने उसकी नकेल पकड़ दी, आपने नकेल पकड़ी तो वो खड़ा हो गए। लिखे आपने उसके कान में कुछ इरशाद फरमाया, आप तो कह के चले गए, वो वहीं खड़ा रहा, हिला भी नहीं, वहीं खड़ा रहा, वहीं बैठ गया। बाजार वालों ने उसके आगे खाने को काफी कुछ रखा, उसने कुछ नहीं खाया, भूल गया वो सारा कुछ, वहीं बैठा रहा, और एक दो रोज में वहीं मर गया। अब बाजार वाले बड़े हैरान हुए, वो ऊँट जिसने सारा बाजार आगे लगा रखा था, हजरत उमर फारूक ने क्या कह दिया उसके कान में कि सारा कुछ ही भूल गया, खाना भूल गया, मर गया। और सारे मुंतजिर थे कि हजरत उमर फारूक तशरीफ लाए, तब उनकी बारगाह में अर्ज करें हुजूर क्या कहा था आपने ऊंट के कान में। हजरत उमर फारूक तशरीफ ले गए, लोग हाजिर खिदमत हुए, अर्ज की अमीरुल मोमिनीन ऊंट याद है? आपने फरमाया हाँ याद है। अर्ज की हुजूर ऊंट के कान में क्या कहा था? आपने फरमाया क्यों क्या हुआ? हजरत वो तो हिला भी नहीं अपनी जगह से, वो तो वहीं बैठ गया, खड़ा रहा फिर बैठ गया, हमने आगे खाने को बहुत कुछ रखा, उसने कुछ नहीं खाया, वहीं मर गए, क्या कहा था? तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने जो जवाब दिया, मैं जरा उसको पंजाबी में उसका मफहूम बयां कर देता हूँ।
और फरमाते मैंने उसके कान में इतना ही कहा था, इतना रोला क्यों पाया ही कि तेनू मरना नहीं याद है। और मैं कहते हूँ हजरत जी असी इन्ना रोला ता ही पाया, सानू मरना नहीं याद। इसको मरना याद हो हजरत वो रोला नहीं डालता, वो तैयारी करता है। कोई भूल गया मकसद आवंदा, कोई करके मकसद हल चलिया। यार फरीदा इत सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया नहीं।